बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वेलकम टू जीज़ वंडर किचन। वी आर बैक विद अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। नवंबर स्टार्ट होने वाला है एंड एबीए फैमिली ऑफिशियल्स आर चेंजिंग देयर प्रमोशनल स्ट्रेटजीज। आपके पास अभी भी 3 दिन हैं। जितने भी नए यूट्यूबर्स हैं, गो ऑन देयर चैनल, सब्सक्राइब देम, सर्च देम ऑन इंस्टाग्राम एंड गेट कनेक्टेड विद देम। आपको बहुत अच्छा कंटेंट बनाना है और उन्हें देना है, सो दे विल प्रमोट योर वीडियोज थ्रू आउट द वर्ल्ड। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अब मैं आ रही हूँ अपनी रेसिपी की तरफ। आज मैं बना रही हूँ ऑर्चर्ड सब विद कोल्सलो। जी व्यूअर्स, सबसे पहले मैं यहाँ एक बंद गोभी लूँगी और 2 दरमियाने साइज़ के गाजर लूँगी। बंद गोभी को हमें बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग कर लेनी है, छोटे छोटे टुकड़ों में। और गाजर में कद्दूकस करूँगी। गाजर और गोभी की कटिंग करने के बाद अब मैं इसकी ड्रेसिंग तैयार करूंगी। सबसे पहले एक बाउल में मैं 1 कप मेयोनीज का डालूंगी। इसके बाद 1/2 कप फ्रेश क्रीम डालेंगे। इसे अच्छी तरह हल करके मैं इसमें 1/4 कप दूध का ऐड करूंगी। अब मैं इसमें 1/2 टीस्पून नमक की ऐड करूंगी और 1 टीस्पून काली मिर्च डालूंगी। 2 टेबलस्पून आइसिंग शुगर डालूंगी और 1 टेबलस्पून लेमन जूस डालेगा इसमें। इसे अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे और अगर हमें इसका बैटर थिक लगेगा तो मैं इसमें 2 टेबलस्पून दूध की मजीद ऐड करूंगी। जी बस, हमारी ड्रेसिंग तैयार हो गई है। अब इसमें मैं कटिंग किए हुए गाजर और गोभी डाल दूंगी। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मैं इसे रेफ्रिजरेटर में चिल करने के लिए 2 घंटे के लिए रख दूंगी। अब हम ऑर्चर्ड सब की तैयारी करेंगे, जिसके लिए मैंने 1 kg बोनलेस चिकन ली है। आप चाहें तो कीमा भी ले सकते हैं बोनलेस। मैंने सबसे पहले चिकन का कीमा बनाया है। इसी कीमे में मैं सबसे पहले 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर ऐड करूंगी, 1 टीस्पून मस्टर्ड पाउडर शामिल करूंगी, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर डालूंगी, 4 हरी मिर्चें डालूंगी बड़ी साइज की, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर डालूंगी और 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर डालूंगी। एक अदद में इसमें चिकन क्यूब डालूंगी, 1/2 टीस्पून नमक शामिल करूंगी। कीमे को मैं थोड़ा मशीन में चलाने के बाद इसमें 1 अंडा ऐड करूंगी और 2 टेबलस्पून बटर ऐड करूंगी और इसे अच्छी तरह हमें पीसना है। सारा मिक्सचर मैं एक बाउल में डाल लूंगी। अब एक पॉलीथीन बैग लेके मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके मिक्सचर डाल के इसे मैं प्रेस करूंगी और फिर बेलन की मदद से इसे फ्लैट करूंगी। इसके बाद हमें इसे 3.5 मिनट के लिए ओवन में बेक करना है।
जी वर्स, हमारी चिकन बेक हो चुकी है। अब मैं इसे छोटे छोटे टुकड़ों में रेक्टेंगल के शेप में काट लूंगी। जी बस, अब मैं ऑर्चर्ड सॉस बनाऊंगी, जिसके लिए मैं 2 टेबलस्पून तेल की शामिल करूंगी और इसमें 1 टेबलस्पून चॉप्ड गार्लिक डाल दूंगी। लहसुन को थोड़ा सोते करके मैं इसमें 1 कप टोमेटो केचप की ऐड करूंगी। अब इसमें मैं 1/2 कप चिली गार्लिक सॉस ऐड करूंगी। अब स्पाइस में मैं इसमें 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर ऐड करूंगी, 1/2 टीस्पून नमक की ऐड करूंगी, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल करूंगी। अब इसमें 1 टेबलस्पून मैं विनेगर ऐड करूंगी, 2 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड करूंगी, 2 टेबलस्पून चिली सॉस ऐड करूंगी। और 1 टेबलस्पून हनी की शामिल करूंगी। जी वर्स, ऑर्चर्ड सॉस हमारी रेडी है। अब मैं इसमें चिकन ऐड कर दूंगी। मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। अब मैं ऑर्चर्ड सब की फिलिंग के लिए खीरे के स्लाइसेस कर लूंगी। जी वर्स, अब हम बन को ग्रिल कर लेंगे और इसकी फिलिंग कर लेंगे ऑर्चर्ड चिकन सलाद पत्ता और खीरे के साथ। जी वर्स, हमारे मज़ेदार यमी से ऑर्चर्ड सब तैयार हैं। बहुत ही डिलीशियस और टेस्टी सब बनते हैं। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।